हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में हम क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है शेयर कैपिटल वाला, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10th का फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रे। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीमियम के साथ है, ठीक है जी। तो इसका मतलब प्रीमियम भी इसमें इंक्लूड होगा आएगा, ठीक है। उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अकाउंट के नाम से हम लिखते हैं, आपको पता है जी। तो चलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रीमियम लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹50 पर शेयर पेबल एज फॉलो, ₹100 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो स्टूडेंट्स, यहां सबसे पहले मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपको। यहां पे वो कह रहे हैं कि इक्विटी शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं उसने, इक्विटी शेयर्स कितने के इशू कर रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है 50,000, ठीक है जी। और उसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू है उसकी ₹100 की, एट द रेट ऑफ ₹100, एट द रेट ऑफ ₹100 एंड प्रीमियम ऑफ ₹50, प्रीमियम ऑफ ₹50। चलिए, ये चीज समझ लग गई आपको, ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आगे क्या कह रहा है कि पेबल एज फॉलो, तो एप्लीकेशन पे कितने पैसे आ गए, एप्लीकेशन पे वो कह रहा है ₹100 आ गए, एप्लीकेशन पे ₹100 आ रहे। तो इसका मतलब ये वाला ₹100 तो सारा यही हुआ, और अलॉटमेंट पे क्या आएगा, अलॉटमेंट पे अब शेयर कैपिटल का पैसा तो जितना आना था वो आ गया ₹50 का, ये तो कैपिटल अमाउंट हो गया प्लस प्रीमियम का, तो ये प्रीमियम का अमाउंट ही आएगा क्योंकि ये तो सारा आ चुका है, ठीक है ओके। ये पैसा इस तरीके से आएगा। अब आप सोचोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि ₹50 प्रीमियम के हैं, उसमें कुछ शामिल नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि जब पता ना हो या बताया ना गया हो क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट पे है प्रीमियम या किस पे है, फर्स्ट कॉल पे है, सेकंड कॉल पे है या एप्लीकेशन पे है, तो हमेशा हम जो प्रीमियम होता है वो अलॉटमेंट के समय ही देते हैं, क्लियर है स्टूडेंट्स। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, यदि क्वेश्चन में ये मिसिंग है या नहीं गिवन कि प्रीमियम किस कॉल पे है, क्या वो एप्लीकेशन पे है, क्या वो अलॉटमेंट पे है, क्या वो फर्स्ट पे या सेकंड पे, कभी नहीं कुछ नहीं बताया क्वेश्चन में, तो हमें वो अज्यूम करना पड़ता है कि वो अलॉटमेंट के वक्त ही आया है, ठीक है जी। तो अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अब जो कैपिटल का पैसा आएगा, कैपिटल का पैसा कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 50,000 और ₹100 के हिसाब से, तो कितनी जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 50 लाख का आ गया। उसके बाद प्रीमियम का पैसा कितना आया, प्रीमियम का पैसा आ गया अगेन 50,000 एट द रेट ऑफ ₹50, तो ये 25, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कितना आ गया, 25 लाख रुपया, ठीक है जी। तो ये आपको 75 लाख रुपया आ जाएगा, ठीक है जी। तो 150 रुपये को अगर आप सीधा 150 रुपये को आप 50,000 से नंबर ऑफ शेयर 50,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो तभी तो 75 लाख ही बनना चाहिए। तो ये हमारा क्रॉस चेक हो गया कि हमारे क्वेश्चन का ये 75 लाख रुपया हमें मिलेगा, बैंक में पैसा आएगा। अब बात है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना, द इशू वन सब्सक्राइब, इशू सब्सक्राइब हो गया एंड शेयर वन इशू टू एप्लीकेंट, और शेयर इशू भी कर दिया एप्लीकेंट को, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, चलिए ठीक है। तो मुझे ये वर्किंग आपको रिलेज करनी पड़ेगी, आपने ये वर्किंग आई होप की नोट कर ली है, समझ आ गया आपको, चलिए। तो अभी हम जर्नल एंट्रीज के लिए इसका फॉर्मेट बनाते हैं ताकि आपको इजी से समझ आ जाए कि ये किस तरीके से बना है। तो अभी अगर आप क्वेश्चन मेरे साथ कर रहे हो तो जर्नल का फॉर्मेट भी बना लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले वर्किंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम वर्किंग नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है और एंट्रीज क्या करनी है। एंट्रीज तो कई बार बच्चे रट लेते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, वो तो चलता रहता है, बट अमाउंट क्या कैंसिल करना है जब तक आप वर्किंग खुद नहीं करोगे आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है जी। तो ये जर्नल में यहाँ सीरियल नंबर डाल दीजिए, ये आ गया पर्टिकुलर्स, ओके जी, ये आ गया लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीज और ये क्रेडिट रुपीस, ओके जी। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एंट्री पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है जी, क्या आ गया, शेयर एप्लीकेशन। तो चलिए अब हम इसके नरेशन लिखे, बीइंग शेयर
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100। तो एक दो तीन चार पांच छह, तो ये पांच के साथ छह जीरो लगानी है। मैं जानबूझ के ये जीरोस गिन रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों से ये मिस्टेक हो जाती है कि किस तरीके से और कितना अमाउंट बना। ठीक है जी, तो यहाँ 50 लाख रुपए का आपके पास एप्लीकेशन मनी आ गया। तो चलिए अब इसकी सेकंड एंट्री क्या होगी। सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। और ये कितना पैसा आ गया, अगेन 50 लाख की ही एंट्री आएगी। ठीक है जी, ये अगेन 50 लाख की ही एंट्री आएगी। ये समझ लगा फ्रेंड्स आपको। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन क्या करना है, नरेशन लिख लीजिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। चलिए ठीक है, ओके। तीसरी एंट्री क्या है, तीसरी एंट्री में अब हमारे पास आपको पता है सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आया है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि कैपिटल का पैसा वो सारा 100 रुपए ऊपर है, डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी, तो यहां आ गया बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू। ये कितना आ गया, ये हमारा कितना था, 50,000 शेयर्स है। ठीक है जी, और उसका 50 से मल्टीप्लाई करके 25 लाख बना। ये हमने वर्किंग में पहले ही कर लिया था कि ये 25 लाख रुपया हमारा आ गया। ठीक है जी, अब क्या, अब ये पैसा बैंक में आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगेन ये कितना आ गया, 25 लाख का। ये कितना आ गया बेटे, 25 लाख का। तो यहां हम क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो स्टूडेंट्स ये चार एंट्री बनी जिसमें हमारा सारा क्वेश्चन बेस्ड था। ठीक है जी, तो वर्किंग मैंने आपको पहले कर दिया, ये एंट्री एक बार आप खुद दोबारा करके देखिए, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी डन। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी डन।